हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। यार आप जो ये स्मार्ट वॉच देख रहे हो मेरे हाथ के ऊपर, ये बिल्कुल डेड हो चुका है, किसी भी काम का नहीं रह चुका है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बंद पड़ चुका है। कोई भी इसके डिस्प्ले के ऊपर नहीं आ रहा है, या फिर चार्जिंग पे लगाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये जो स्मार्ट वॉच है ये ख़राब हो चुका है। तो चलो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो स्मार्ट वॉच होता है इसके अंदर क्या क्या निकलता है, और हमारे काम की कोई चीज़ निकलती है कि जिसका यूज़ करके हम कुछ प्रोजेक्ट बना सके। तो ये डेड तो ऐसे ही हो चुका है। तो अब इसको खोलते, इसको पीछे की साइड में कुछ चार स्क्रूज दिए गए हैं, तो इनको ओपन करके हम खोलते और देखते इसके अंदर हमारे काम की। भाई ये रहा हमारा स्मार्ट वॉच, और ये है इसके पीछे की साइड में लगे चार स्क्रू, जो कि काफ़ी ज़्यादा पतले पतले बिल्कुल हमारी तरीके से। तो चलो अब इनको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेकर आ गया हूँ एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, तो इसी के अंदर, क्योंकि मेरे पास हैंड स्क्रू ड्राइवर के अंदर इतना पतला बिट नहीं था, तो ये देखते हैं पहले चार्ज है या नहीं। हाँ भाई, इसके अंदर तो चार्ज है, मतलब अब तो काम हो ही जाएगा। अब इसमें का जो बिट है उसको लगा लेते हैं, तो शायद ये वाला पतला बिट लग जाए, निकल जा भाई। तो देखो इसको लगा लेते हैं, और चलो जल्दी जल्दी इसको ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या निकलता है हमारे काम का। ओपन हो चुका होगा, तो चलो देखते हैं इसको ओपन हुआ है या नहीं। अरे यार नहीं खुल रहा, खुल जा। तो गाइज अब हमारा जो स्मार्ट वॉच है वो ओपन हो चुका है, और आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने इसको ओपन किया, ओपन करते हुए ही हमारे सामने आ चुकी है एक बैटरी। तो चलो बैटरी को पहले देख लेते हैं कि कितना इसका पावर है। इसकी वायरें पहले ही मैंने खोल के कट कर ली थी, तो चलो इसके अंदर देख लेते हैं। ये जो है 3.7 वोल्ट की और 230 mAh की बैटरी है। 230 मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गई भाई उसके हिसाब से तो। और अब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे काम की वो भी देख लेते हैं। तो ये क्या है भाई, इसको भी पहले तो यहाँ से हम रिमूव कर। तो देखो गाइस यहाँ से ये भी निकल चुका है, और ये जो है इसके अंदर शायद वाइब्रेटर का मोटर हो सकता है। तो हाँ गाइस, ये जो है ये यहाँ पर वाइब्रेटर की ही मोटर है, तो इसको भी मैं निकाल के देख लेता हूँ। तो हाँ गाइस, ये जो है मोबाइल के अंदर, मतलब इस स्मार्ट वॉच के अंदर वाइब्रेटर की तरह काम करने के लिए एक वाइब्रेटर का मोटर दिया गया है, और ये जो है एक छोटू सा, काफ़ी पतला सा, काफ़ी नन्ना मुन्ना सा एक स्पीकर दिया गया है, जो कि अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मुझे। तो इसका यूज़ करके तो हम एक ब्लूटूथ स्पीकर बना ही सकते हैं, इसका भी यूज़ करके कोई छोटा मोटा रोबोट तो बना ही सकते हैं। उसके साथ साथ और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो ये तो इसका स्विच है, और ये एक, हाँ इसका एक छोटा सा माइक भी है, तो इसका भी यूज़ करके हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकते। और हाँ गाइस यार, मुझे पता तो चल गया कि ये जो स्मार्ट वॉच है ये बंद किस वजह से पड़ गया, किस वजह से ख़राब हो चुका है। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे पास की यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो प्रोसेसर है वो, जो इसका मेन प्रोसेसर है वो फट चुका है। और गाइस अगर आपको नॉइस सुनाई दे रहा है तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ताकि मेरे यहाँ पे बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा नॉइज आपको सुनाई दे सकता है। तो चलो उसको थोड़ा सा बंद होने देते हैं, फिर हम देखते हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो स्मार्ट वॉच है किस वजह से बंद पड़ चुकी है। तो यहाँ पे आपको एक हल्का सा डॉट दिख रहा होगा, क्योंकि यही जो प्रोसेसर है वो इसका फट चुका है, और ये अगर फट जाएगा मेन प्रोसेसर तो फिर तो ये चलेगा ही नहीं। और ये एक यहाँ पे पुश स्विच दिया गया है, और यहाँ पे भी एक जो पावर ऑन ऑफ का स्विच है वो दिया गया था, और ये जो दो वायरें दिख रही है ये बैटरी की पावर की वायरें थी। तो चलो इसको भी निकाल के देख ही लेते हैं। अब इतना अगर इसको खोला है, ये अभी फ़िलहाल किसी काम का नहीं है, तो अब इसको खोल के ही देख लेते हैं कि इसके अंदर, तो देखो ये है इसका मेन मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड की भी डिस्प्ले की जो वायरें हैं वो टूट गई अभी जस्ट हमने इसको खींचा तो। और ये है इसका मेन डिस्प्ले, तो डिस्प्ले को भी आपको मैं दिखाई देता हूँ कि किस तरीके का डिस्प्ले होता है और क्या कुछ है। डिस्प्ले खुल नहीं रहा है, सीधा टूट ही रहा है गाइस। चलो कोई बात नहीं आपके लिए तो। तो देखो इस तरीके का डिस्प्ले होता है, और ये इसका मेन डिस्प्ले था, और यहाँ पे दो छोटी छोटी LEDs लगी हुई है। ये तो हमारे किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये यहाँ से निकालना ही काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज यार
स्मार्ट वॉच के अंदर हमारे काम की चीज़ अगर आप बोलोगे तो ये एक, अगर बैटरी ठीक निकलती है, ख़राब नहीं हुई है तो ये बैटरी, उसके साथ साथ ये एक छोटा सा कंडेंसर माइक्रोफोन, एक वाइब्रेटर का मोटर और एक स्मार्टफोन, इतनी जो चीज़ें वो हमारे काम की हो सकती है अगर ये ठीक रही तो शायद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सभी चीज़ों को टेस्ट करके देखेंगे कि ये चालू है या बंद है और फिर किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। और ये तो भाई अभी फ़िलहाल तो कबाड़ा ही हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर और भी एक काम की चीज़ हमारे निकल सकती है, ये एक माइक्रो यूएसबी वाला सॉकेट, क्योंकि हम बीएमएस बनाते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर ये सॉकेट काम आ जाता है। तो इसको यहाँ से डीसोल्डर करके निकालने के ऊपर ये जो सॉकेट है ये भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम आ सकता है। तो बस गाइज यार इतनी इसके अंदर चीज़ें निकली है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसे ही डिफरेंट काफ़ी मज़ेदार गैजेट्स की वीडियो आगे भी मिलते रहे।